जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में हम 5 अगस्त 2021 के कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होने का तात्पर्य ये है कि बहानेबाजी का सहारा बिल्कुल भी ना लिया जाए। आत्मनियंत्रण से असीम नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है और स्वयं को बदलने का अवसर सदैव मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय आपको बदलता हो। यदि आपके मार्ग में कोई बाधा आए तो घबराना छोड़ इसे दूर करने का प्रयास करते रहिए। घोर संकट के समय भी मुस्कुराते रहना संतुलित मन की निशानी है। यदि लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करें तो याद रखना कि नम्रता और शांति में बहुत बड़ी समझदारी है। कभी भी आशा ना छोड़ें। आशा एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। बहुत से लोग सोचते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, किंतु जब करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। कागज पर विराम चिन्ह लगाना आसान है, किंतु क्या आपने अपने व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम लगाने की कभी कोशिश की है? चलिए 5 अगस्त 2021 का पंचांग जान लेते हैं। 5 अगस्त 2021 विक्रम संवत 2078 दिन बृहस्पतिवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, 5:09 तक रहेगी शाम को, फिर त्रयोदशी रहेगी। नक्षत्र आरिद्रा रहेगा। राहु काल 2:10 से 3:47 तक दोपहर में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:58 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 12:06 से 12:58 तक राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त अच्छा होता है। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। कुंभ राशि यानी चंद्रमा मिथुन राशि में है, पंचम भाव में है, स्वामी बुध हैं, बुध छठे भाव में रहेंगे कर्क राशि में, लेकिन चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में। शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कारोबार में थोड़ा ज़्यादा मेहनत या संघर्ष देखने को मिल सकता है। मिले जुले परिणाम पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर के मिलते हैं। आज नए कार्यों का आरंभ करना अच्छा नहीं होगा और यात्रा में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपने इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की योजनाओं को लेकर थोड़ा सा आपको सेक्रेसी यानी गुप्त रखना पड़ेगा। शाम का ज़्यादातर समय आपका मेहमानों के साथ या दोस्तों के साथ गुजरेगा। खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें। धन के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी अधिकता रहेगी। अपने फैसले बच्चों पर ना थोपें, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करने दें और जो उनके लिए हितकर है उसे समझाएं और वही करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर अपनी बात आपकी बात को आसानी से मान सकें। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अच्छी हैं, पूरे दिन आपका मन बढ़िया रहेगा। आपके घर वाले आज आपसे कोई परेशानियाँ शेयर करेंगे। जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह जिससे आप सारा दिन खुशी महसूस करेंगे। घर और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें और थोड़ा आराम भी दें। कार्य का ज़्यादा बोझ हो सकता है आपके ऊपर आज। थोड़ा मनोरंजन के लिए भी समय निकालें, कोशिश करते रहें और कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आज आप नहीं भी कामयाब हैं तो एक दिन आपका दिन जरूर आएगा, सभी का आता है। आपके मित्रों को कोई गलतफहमी जो हुई थी पहले या आज हो सकती है तो वो शाम तक आते आते दूर हो जाएगी और आपको कहीं से किसी और सोर्स से भी आज आय हो सकती है। कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था कहीं तो वो मिल सकता है।
ऑफिस में खुद को नियंत्रण में रखें, कार्य क्षेत्र की परेशानियां खत्म हो सकती हैं, आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं, आगे के काम की योजनाएं बनाना आज आपके लिए बहुत आसान रहेगा, रुके हुए काम करने के लिए दिन अच्छा है, आपको योग्यता और अनुभव के साथ काम करना चाहिए, आपकी समस्याएं निपट जाएंगी। सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को ना उलझाएं, ऐसी परिस्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसका असर सेहत पर भी पड़ सकता है, तो ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको तनाव ना हो और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम वगैरह करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आज आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन ये स्थिति आपके बॉस को, आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। आपको आलसी होने की जो आदत है उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, वरना आपके सारे कार्य लेट हो जाएंगे। ये समय अधिक जिम्मेदारी लेने व अपने काम में अधिक रुचि दिखाने का है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करना आज आपको सफलता दिला सकता है। आज आपको अपने हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी कोई यात्रा थी पहले प्लान, तो वो रद्द हो सकती है। आज काम और घर के प्रति आपकी जिम्मेदारियां आपको थोड़ी थका सकती हैं, इसलिए समय थोड़ा आराम करने का है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताएं, हालांकि आपका अधिकतर ध्यान आज अपने कार्य क्षेत्र पर रहेगा, लेकिन थोड़ा समय घर के लिए भी निकालें। जिनके प्रेमी प्रेमिका हैं आज आपकी, वो एक दूसरे की हर बात मानेंगे, आपका आकर्षण एक दूसरे के प्रति रहेगा और प्रेमी प्रेमिका का तालमेल अच्छा रहेगा, आपके आपस में संबंध अच्छे रहेंगे और आपकी इच्छा के चलते आप आपस में दोनों कुछ देर समय भी बिता सकते हैं। आपकी अच्छी सोच के चलते कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा और आपके सहयोगी और आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। आप अपने साथी के साथ मिलकर किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से आज आप थोड़ा समय निकालने की कोशिश करेंगे अपने परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए। आपका निःस्वार्थ प्रेम आपके प्रेमी या प्रेमिका को बहुत पसंद आएगा। उपाय की बात करें तो आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिव मंदिर जाकर शिव भगवान की पूजा उपासना करें, सावन का महीना है तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप किसी गरीब मजदूर को भोजन करा सकते हैं शनि मंदिर में, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आप काले चने की दाल और सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे 5 अगस्त 2021 के कुंभ राशि के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।